बिहार के भागलपुर के एक युवा ने कमाल किया है। वो कमाल क्या है आपको हम आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विशाल, आप द पंचायत देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के बच्चों और युवाओं में हुनर की कमी नहीं है, कमी है तो बस हुनर को पहचानने वालों की, जो बच्चों के हुनर को पहचान सके और उसको एक मंच मुहैया करा सके ताकि बच्चे उस मंच से दुनिया को अपने हुनर का जलवा दिखा सके। बिहार ऐसे राज्य में से आता है जहाँ सरकारी नौकरी के लिए बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो कुछ बच्चे दूसरों से अलग करने के लिए कोई डांस तो कोई गाना जैसे हुनर भी सीखते हैं, और कई बच्चों को उनके माता पिता सपोर्ट भी करते हैं, तो कई बच्चों को घर से डांट भी मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ कर गुजरने की सोच लेते हैं तो फिर वो पहाड़ जैसी बाधाओं को भी पीछे छोड़ मुकाम हासिल करने के लिए पीछे लग जाते हैं, और कुछ नहीं होने के बाद भी इतना मेहनत करते हैं कि सफलता शोर मचाने लगती है। उन्हीं मेहनत करने वालों में से एक हैं आकाश सिंह, जो भागलपुर के रहने वाले हैं। आकाश अपने मेहनत और हुनर के बल पर कलर्स टीवी रियलिटी शो हुनरबाज देश किसान में हुनर दिखाने का मौका मिला, और साथ ही अपने हुनर के बल पर शो के सभी जजेस का दिल भी जीता और अब शो के विनर भी बने हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कलर्स का फेमस टीवी रियलिटी शो हुनरबाज देश किसान के विनर का नाम सामने आ गया है। भागलपुर के आकाश सिंह ने सबको पीछे छोड़ते हुए हुनरबाज देश किसान की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आकाश ने गोल्डन ट्रॉफी और 15 लाख रुपए का नगद इनाम पुरस्कार जीता है, जबकि यू हाइनेस प्रथम उप विजेता बनी और सुखदेव हारमनी ऑफ द पाइन्स ऑर्केस्ट्रा रॉकनामा सूफी रॉक बैंड संचिता और सुब्रत और अनिर्बान को हराकर 5 लाख रुपए प्राप्त किए। आकाश सिंह ने अपने बेहतरीन डांस प्रदर्शन के दम पर सीजन की जबरदस्त शुरुआत की और तुरंत ही सीजन के एक आशाजनक दावेदार के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। अपने उत्साह और खुशी को व्यक्त करते हुए आकाश सिंह ने कहा कि उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जिनसे मैं गुजर रहा हूँ और ये सब बहुत वास्तविक लगता है। मैंने शो में अपनी यात्रा को बड़ा बनाने के लिए सपने के साथ शुरू किया था, आज शो जीतने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसके हर हिस्से को पूरा कर लिया है। आगे आकाश कहते हैं, पूरे शो में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए करण सर, मिथुन सर और परिणीति मैम का, और मुझे यह मौका देने के लिए कलर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आखिरी में मैं अपने परिवार और दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस जीवन बदलने वाली यात्रा में मेरा साथ दिया। हुनरबाज देश किसान का फिनाले मनोरंजन से भरा हुआ था। स्टार स्टेटेड इवेंट में जजों के साथ नीतू कपूर थी, मिथुन चक्रवर्ती, परिणीति चोपड़ा और करण जौहर, साथ ही भारती की गैर मौजूदगी में शो को होस्ट करने वाली सुरभि चंद्रा भी फिनाले में मौजूद थी। आकाश शो में कई बार अपनी लाइफ और करियर स्ट्रगल को लेकर भी शो में जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आते हैं, महज 1000 रुपये पॉकेट में रखकर मुंबई आ गए थे। मुंबई आने के बाद भी उन्हें हर कदम पर निराशा ही मिली, लेकिन उन्होंने भी ठान लिया था कि वो अपने मकसद में सफल होकर रहेंगे। उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों का भी दिल जीत लिया था। करण जौहर, परिणीति चोपड़ा या फिर मिथुन चक्रवर्ती ने भी कई बार उनकी तारीफ की। शो के ऑडिशन के में ही आकाश ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, उनकी परफॉर्मेंस देखकर हर कोई दंग रह गया था। इस दौरान इमोशनल होकर उन्होंने शेयर किया था कि वो कैसे मुंबई में सड़कों पर और पार्क में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। आकाश ने कहा था कि वो पार्क में ही कई घंटों तक डांस प्रैक्टिस करते थे। आकाश ने बताया कि वह इनाम में मिले पैसों से गांव में माता पिता के लिए घर बनाएगा, उससे पहले अपने माता पिता की वह मुंबई की सैर कराना चाहता है। आकाश 4 साल से मुंबई में रहकर पोल डांसिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वह लाइट के पिलर और पार्कों में लगे पिलर पर डांस की प्रैक्टिस करता था। वह बॉलीवुड में भाग्य आजमाना चाहता था और अपने जैसे हुनरमंदों की मदद करना चाहता था। तो देखा आपने भागलपुर के आकाश की क्या कुछ कहानी थी। तो आपने देखा आकाश सिंह, जो कि भागलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने हुनरबाज में इतना बड़ा खिताब हासिल किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।